नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दादरी की घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखी। कोलकाता से प्रकाशित आनंद बाजार पत्रिका को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दिनों दादरी में जो कुछ भी हुआ उससे मैं दुखी और व्यथित हूं। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक यह मुद्दा उछला। भाजपा इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करती। जो लोग इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र की भूमिका कहाँ से आ गई। प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के विरोध प्रदर्शन से भी दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। दादरी हत्याकांड पर अमित शाह का बयान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दादरी के बिछाड़ा गांव में गोमांस खाने की अफवाह को लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या को गलत बताते हुए कहा कि गुनाहगारों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने साथ ही माना कि विवादित पार्टी विधायक संगीत सोम को गांव नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा को मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि यह कानून व्यवस्था के विषय है जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इंदौर में दूसरे वनडे मैच के लिए जबरदस्त उत्साह। इंदौर में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। 27,000 दर्शक क्षमता वाले होलकर स्टेडियम में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही स्टेडियम के आसपास क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया था। इस मैच को लेकर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और पूरे स्टेडियम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों ही टीमें यहां पर 300 से ज्यादा स्कोर बनाने की भविष्यवाणियां कर रही है। होलकर स्टेडियम में खेले गए पिछले तीनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही है।